الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبيه الامين وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه القويم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال الله عز وجل في مكان آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون معزز ناظرين الكرام إنسان الزعم مبتلاه دنيا هي دُنْيَاكِ الدنيا كي هي سب बल्कि यहाँ तक एक जुमला कह दिया जाता है हमारी पंजाबी जुबान में कि ए जग मिठा अगला किस डिठा कि ये दुनिया तो इंतहाई मीठी और सरसबज है आगे की बातें किसने देखी हैं और कौन आगे की बातें करता है ये तर्ज अमल एक काफिर का तो हो सकता है जिसके लिए अल्लाह लाब्लमी ने इस दुनिया को ही जन्नत करार दे दिया है लेकिन एक मोमिन का तर्ज अमल ला अला कहने वाले का अमल ये नहीं हो सकता बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के हर कदम को फूंक-फूंक के फूंक-फूंक के रखता है सिर्फ ये सोचते हुए कि मैंने अपने इस कदम के उठाने का जवाब भी अपने अल्लाह की बारगाह में देना है और एक गाफिल बंदा जिसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद है दुनिया 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 और दुनिया उसे आखरत से कोई लेना देना नहीं और यकीन आप उसकी जुबान से ये जुमला सुनेंगे और वो ये कहता होगा कि ये दुनिया ही सब कुछ है आगे की बातें कौन करता है ये सब खुराफात हैं कुरान कहता है कुरने मजीद ने कम अज़ कम तीस से ज़्यादा जगह पर अल्लाह रब्बुल रब्बमीन ने यह कशी की कि कल क्यामत के दिन जब अल्लाह रब्लम के सामने खड़े होंगे और सब कुछ देख लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे अल्लाह एक मौका दे के दुनिया में वापस भेज दे हमने सब कुछ देख लिया सब कुछ हकीकत में अपनी आंखों से देख लिया अल्लाह अब दुनिया में के सिर्फ तेरी बंदगी करेंगे और तेरी मासीत और नाफरमानी का कोई काम नहीं करेंगे और अल्लाह रबालमीन उन्हें जवाब में कहेंगे यही बात मेरे अंबिया और रसल तुम्हें तो कहते रहे मेरी किताब कहती रही तुम मानने के लिए तैयार नहीं थे अब मैं तुम्हारी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं और यहां तक भी मेरे मालिक ने कह दिया दोबारा भेज भी देंगे तो अल्लाह रबीन फरमाते हैं ये वही काम करेंगे जिस काम से हमने इनको मना किया था इंसान की फितरत है इंसान नाफरमानी की तरफ चलने वाला है इंसान के फितरत की बुनियाद अल्लाह रबीन ने नाफरमानी पर रखी है इसीलिए इसको इंसान कहा ये भूल जाने वाला है लेकिन अल्लाह आलमीन ने इसको तस्कीर करवाई अपने अंबिया के जरिए से अपनी किताबों के जरिए से अपनी नसीहतों के जरिए से अपनी इबरतों के जरिए से अपनी निशानियों के जरिए से लेकिन कामयाब कौन हुआ जिसने उन चीजों को समझ लिया और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लिया और नकाम और मुराद और हमेशा हमेशा के लिए नाकाम और मुराद वो शख्स हो गया जिसने सिर्फ दुनिया की खातिर किया जो किया और अब छोड़ के सब कुछ छोड़ के अल्लाह के सामने वो खड़ा है और इसके पास कुछ नहीं है और इसीलिए रसूल लाह वसल्लम ने फरमाया कि लोगों क़यामत के दिन सबसे बड़ा अतरून अमल मुफलिस सबसे बड़ा कंगाल कौन होगा जानते हो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम नहीं जानते अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बड़ा कंगाल वो होगा जो दुनिया की ज़िंदगी की परवाह करता रहा आखरत के लिए कोई अमल नहीं किया और अगर कोई अमल होगा भी तो अल्लाह के सामने जब वो आएगा तो दुनिया के अंदर जिनका जिनके साथ जुल्म करता रहा ज्यादतियाँ करता रहा नासाफियाँ करता रहा उनकी लाइन लगी होगी यहाँ तक कि उसकी सारी नकिया अल्लाह उन्हें दे, दे देगा और उनके गुना भी इस पर डाल के उसको जहन्नुम में फेंक देगा ये है दुनिया और उसकी हकीकत

बस थोड़ा सा वक्त दे दे मैं वो सारे काम करके आता हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं कल्ला इनहा क़लिमतुन हुआ मैं जानता हूं ये तुम जुमला जरूर कहने वाले हो लेकिन सुन लो कभी भी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी जब वक्त आ आग... अल्लाह रब्लमीन ने जो वक्त तय कर दिया था जब वह आ जाएगा लसर शिमुन ना एक लम्हा पीछे न आगे न इधर की मोहलत ना उधर की मोहलत अल्लाह रब्लम का फ़ैसला सादिर हो जाएगा और उसके बाद फिर कबर से ज़िंदगी के एक सिलसिले का आगाज़ होगा ओमिम वरा बरज़ुन फिर क़यामत के दिन तक एक बरज़ख की ज़िंदगी वो गुजारेगा आलम बरज़ख में ज़िंदगी गुजारेगा जिसके अंदर अल्लाह रब्बुलआलमिन उसके साथ मुस्तकिल मामला फ़रमाएंगे और वो मामला क्या होंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मिन रियाद औ अमलबन्नाफर हफर नार सबसे पहला मरहला सबसे पहली मंजिल वो कब्र होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अक्सर इस बात की नसीहत किया करते थे सहाबा इस कब्र के लिए तैयारी कर लो सहाबा इस कब्र के लिए तैयारी कर लो सहाबा अपने आप को इस कब्र के लिए तैयार कर लो अपनी उम्मत को नसीहत की अपने आप को इस कब्र के लिए तैयार कर लो और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नसीहत नहीं की बल्कि ऐसे अमाल भी सिखाए ऐसी बातें भी बताई जिन बातों पर, और यकीन रखने वाला और इन बातों पर अमल करने वाला वसल्लम ने मुबारकबाद दे दी कि यह अमल तुम्हारी कबर में तुम्हें फायदा देगा उसमें मिसाल के तौर पर मुल्क तीस आयतों की सूरत अलैहि वसल्लम ने दो बातें बयान फरमाई फरमाया जो बंदा इस सूरत के पर पाबंदी करता है इसकी तिलावत करता है इसकी पर यकीन रखने वाला है सूरह मुबारका में बयान किया उस पर अकीदा रखने वाला है नसूल बयान फरमाते हैं तीस आयतों की ये सूरत अपने बंदे के लिए अपने साथी के लिए जो उसकी परवाह करने वाला था कबर में उसके लिए झगड़ा करेगी दूसरी रिवायत में लफ्ज़ है उसके लिए नूर बन जाएगी तीसरी रिवायत में लफ्ज है उसके लिए ढाल बन जाएगी अल्लाहमीन अपनी रहमत से ढाल बना देंगे लेकिन किस बंदे के लिए जिस बंदे की जिंदगी का यह मकसद था जो ये जानता था मेरे अल्लाह ने मुझे पैदा किया है मेरा अल्लाह मुझे मारेगा किस लिए ताकि वह चेक करे ताकि वह आजमाए ताकि वह हजत कायम कर दे अय्युकुम अहसनु अमला तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है दूसरी आय मुबारक जो शुरू में मैंने आपके सामने तिलावत की अल्लाह आलमीन बयान फरमाते हैं तुम लोगो तुमने ये समझ रखा है हमने तुम्हें यूं ही बेकार और फजूल पैदा कर दिया है इलैना ला और तुम वापस हमारी तरफ पलट के नहीं आओगे अल्लाह की कसम तुम सबको मेरी तरफ पलटना है वो तुहशरून मेरे सामने तुम्हें इकट्ठा करूंगा अपने सामने इकट्ठा करके तुमसे हिसाब लूंगा और कोई इंसान उस हिसाब से बागी नहीं कोई हिसाब उस हिसाब से बरी नहीं होगा सबके सब मेरे सामने खड़े होंगे सबको देना होगा मैं अल्लाह अपनी रहमत से जिसे चाहूंगा सरफे नजर कर दूंगा जिसे चाहूंगा छोड़ दूंगा जिसे चाहूंगा मामूली सी बात पर भी पकड़ लूंगा यह मैं अल्लाह की कुदरत है मैं अल्लाह का फैसला है और कोई मुझे उसके लिए मजबूर नहीं कर सकता अल्लाह आलमीन के सब सारे उसके सामने पेश होंगे और हिसाब देंगे और ने इंसान की ज़िंदगी की सुनन नसाई की रिवायत है अकाल तो सलाम फरमाते हैं दो टहनियाँ आपने गाड़ी और फरमाया ये इंसान है और ये इसकी उम्मीदें हैं उम्मीदें बड़ी ज़िंदगी की बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग्स लंबी लंबी ख्वाहिशें लंबे लंबे मामला और हकीकत क्या होता है रसूल वसल्लम बयान फरमाते हैं अपनी उम्मीदों को पाने के चक्कर में वो ऐसा खोता है अपने अल्लाह से ऐसा दूर जाता है कि उसका अजल और वादा जो उसके रब ने मुकर्र किया होता है वो उम्मीदों के पीछे चल रहा होता है यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से उसका वायदा आ जाता है मेरे भाइयों सबसे पहले अपनी जिंदगी के मकसद का तयन कर लो हमारी जिंदगी का सबसे पहला मकसद वो अल्लाह रबालमीन की इबादत है और उस इबादत और इस जिंदगी के मकसद का दूसरा बड़ा तयन कि हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है और उसके लिए हमने जो कुछ किया है अपने अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है अपने आप को इस मरहले के लिए तैयार करो सबसे पहला मरहला कबर सबसे पहला मरहला कबर आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो तो घुप अंधेरा हो दस मिनट उस अंधेरे में नहीं गुजार सकते दस मिनट उस अंधेरे में गुजारे तो उनको घबराहट होना शुरू हो जाती है वाहत होना शुरू हो जाती है वो भागते और दौड़ते हैं इस चीज के लिए कि मुझे रोशनी मुयसर आ जाए जरा कब्र के बारे में तस्वर कीजिए वहां कोई रोशनी नहीं होगी वो घड़ा है जिसको पुर कर दिया जाएगा ऊपर तले नीचे दाएं बाएं मट्टी ही मट्टी होगी मना मट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा कोई साथी नहीं होगा कोई मददगार नहीं होगा बिल्कुल वाहद होगी और दहशत होगी लेकिन अल्लाह रब हमारे की वजह से और सबसे पहले अपनी रहमत फरमाते हुए अल्लाह रबुलम उस वाशतों और दहशतों के घड़े को अपनी रहमतों वाला घड़ा बना देंगे और वह कितना खूबसूरत मंजर होगा जब फरिश्ते आके सवाल करेंगे जिसका जिक्र हमने अपनी दूसरी वीडियो में किया फरिश्ते आके सवाल करेंगे पूछेंगे जब वो सवालों के जवाब देगा तो हुक्म होगा अलबिसमिन वफिशुलराशम जन्ना जन्नत का बिस्तर बिछा दो नरम गरम बेहतरीन आलिशान बिस्तर बिछा दो इसको जन्नत का लिबास पहना दो बाबन बान अलजन्ना जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा और खिड़की खोल दो और दूसरी हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह हुक्म देंगे नवर लहू कबरा इसकी कब्र को मुनव्वर कर लो और अगली हदीस में लफ्ज़ हैं रसूल बयान फरमाते हैं होगा इसकी कबर को वसी कर दो और उसके दूसरे वो बंदा काफिर होगा जो नाफरमान होगा जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला अंबिया आए परवान की अल्लाह की आयतें आई परवा न की अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया अजाब पर यकीन ना रखने वाला कबर की जिंदगी ना रखने वाला कबर की जिंदगी का मुनकर कबर

वो फरिश्ते जो आएंगे उनके हाथ में ऐसे हथौड़े होंगे ऐसे गुज होंगे कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर वो ज़मीन पर एक पहाड़ पर बीमार दिया जाए तो वो रेत में तब्दील हो जाए वो ज़र्रात में तब्दील हो जाए अल्लाह रबालमीन उन फरिश्तों को उस पर मुसल्लत कर देंगे सांप मुसलत कर दिए जाएंगे पिछू मुसलत कर दिए जाएंगे कबर को तंग कर दिया जाएगा और इतना तंग कर दिया जाएगा कि रसूल अल्लाह आसलम बयान फरमाते हैं उसकी पसली आपस में आकलम ने यूँ हाथ का इशारा फरमाया कि उसकी पसलियां आपस में यूं हो जाएंगी शिद्दत के साथ क्यामत तक के लिए अल्लाबालमीन जब तक क्यामत का सूर नहीं फूंका जाएगा अल्लाह रब्लम उस पर इस आदाब को मुसल्लत कर देंगे और यहीं पर बात खत्म नहीं होती अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं जब वो कहेगा मैं गाफिल था मैं कुछ नहीं जानता अल्लाह रब्लम हुक्म देंगे यह झूठा है यह धंदा तो मेरा है यह मेरा बंदा है लेकिन यह झूठ बोल रहा है यह सब कुछ जानता होता अगर दुनिया में इसने जान लिया होता आज कुछ नहीं जानता यह झूठ बोल रहा है रिश्तों को हुक्म होगा अफरीशू लहू फिराशम मिन अल नार जहन्नम का बिस्तर बिछा दो अफरीशू लहू फिराशम मिन नार इसके लिए कांटों का और जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो और इसको जहन्नुमियों का लिबास पहना दो और उसके साथ-साथ आफतह लहू बाबन इला नार और जहन्नुम की खिड़की इसको खोल दो जहन्नुम की खिड़की इसकी तरफ खोल दो और जहन्नम की शिद्दत उसको जंसाती रहेगी फरिश्ते रहेंगे, और रहेंगे। कबर तंग होती यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला क़यामत की शक्ल में आ जाएगा और ये वही मरहला है जनाबान रजी सबसे ज्यादा कबर के जिक्र पर रोया करते थे सबसे ज्यादा कबर के जिक्र पर रोते सवाल होता है ान आख़रत की बातें बड़ी होती हैं क़्यामत का जिक्र भी होता है लेकिन आप कबर के जिक्र पर सबसे ज़्यादा रोते हैं इसका क्या सबब है कहा यह पहली सीढ़ी है जो इस सीढ़ी से कामयाब हो गया बाकी मनाजर अल्लाह की रहमत से आसानी से तय होती जाएंगी, लेकिन जो पहली स्टेज पर पहली सीढ़ी पे पहले मरहल में नाकाम हो गया अल्लाह की कसम कस्म नाकामी उसका मुस्तकिल नाकामी उसकी मुस्तकिल मुस्तकिलंतजर रहेगी हर जगह नाकामी का सामना रहेगा इसलिए मैं अल्लाह से डरता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी पहली मंजिल को कामयाबी की मंजिल बना देना मेरी पहली मंजिल को आसानी वाली बना देना मेरी पहली मंजिल को खैर वाली बना देना क्योंकि मेरी पहली मंजिल खैर वाली होगी अगली सारी मंजिलें अला आसान कर देगा तो महतरम नाजरन फिर कब्र में कौन कौन से सवालात होंगे क्या क्या सवाल जवाब किए जाएंगे, उन सवालों और जवाबों के पीछे सारी बुनियादें क्या होंगी वो आप इन हमारी दूसरी वीडियो में मुलाहद करेंगे अल्लाह रबुलामी से दुआ करके मैं अख्ताम करता हूँ कि अल्लाह हमें ख़बर के आदाब से महफूज फरमा हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है मेरे अल्लाह हमें उस मकसद को हासिल करने की तोफ़ी फरमा उस मकसद को समझने की और उस पर अमल करने की तोफ़ी फरमा और अल्लाह सबसे बढ़ के सबसे बड़ी कामयाबी कि हमें जहन्नुम के आदाब से कबर के आदाब से महफूज फरमा के अपनी रहमतों वाली जन्नत में दाखिल अता फ़रमा व आखिरदाना अनहमदल रबीन